नमस्कार दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यह कोरोना काल का समय है। चारों तरफ यह बीमारी छाई हुई है जिसके कारण मानव जाति इस बीमारी से परेशान है। मनुष्य मनुष्य से दूर हो गया है, अपने अपनों से दूर हो गया है और इस बीमारी में कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि आज हम कैसी स्थिति में हैं। आज तक हमने जो अच्छा बुरा कार्य किया सब धरा का धरा रह गया। हमारी ये मानव सभ्यता इस बीमारी से जूझ रही है, लड़ रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो इतने बड़े बड़े रिसर्च किया करते थे बीमारियों पर, हर चीज पर, वह सब फेल हो गया। हो सकता है इस बीमारी का कारण भी कोई बड़ा रिसर्च ही रहा हो। अब ये बीमारी कहाँ से आई, इस बीमारी को किसने लाया, कौन कहने आएगा, कौन आगे आएगा, इस बीमारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन हमें और आपको इस बीमारी को गंभीरता से समझना पड़ेगा। हर 100 साल बाद एक ऐसी बीमारी जरूर सामने आती है जिसका इस मानव सभ्यता पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज ऐसी बीमारी भविष्य में ना आए, उसके लिए हम सभी को, आपको, इस मानव जाति को आगे आना पड़ेगा। इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। हो सकता है कि यह पर्यावरण हमें इस बीमारी से यह आगाह करना चाह रही हो कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रुक जाओ, जो गलत कर रहे हो वहीं रुक जाओ। यह पृथ्वी जिस तरह है वैसे ही रहने दो। इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो वह पर्यावरण, वह पृथ्वी भी, वह एनवायरनमेंट भी पलट कर आपको जवाब देगी। उनके हाथ पांव तो नहीं है लेकिन वह किसी न किसी तरीके से हमें जवाब देगी। हो सकता है इस बीमारी के तौर पर वह जवाब देने की कोशिश कर रही हो कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसी बीमारियां पहले भी आती थी। क्या प्लेग नहीं है? प्लेग एक ऐसी बीमारी थी, जब प्लेग फैलता था तो गांव के गांव तबाह हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। वैसे ही हैजा जैसी बीमारियां, हैजा जब फैलता था तो गांव के गांव तबाह हो जाते थे, साफ हो जाते थे। ये तो ऐसी बीमारी है कि गांव ही नहीं, पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से ग्रसित है। हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं जो दावे करते हैं कि हमने ये रिसर्च किया, हमने वो रिसर्च किया, हमने चांद पर
उपग्रह छोड़ा, हमने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने की मशीन छोड़ी, यंत्र छोड़ा, हम इस धरती पर अपने धरती को तो ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन बचा नहीं पा रहे हैं, तो चांद पर और बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े दावे करने से क्या फायदा मिलेगा। तो प्लीज अभी भी वक्त है, संभल जाए। और जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन्हें वह जो इस पृथ्वी को बनाया है, वह सभी को यही मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि सभी अभी भी वक्त है, संभल जाएं और वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए, इंसानों को बचाएं और आने वाले पीढ़ी को कुछ ऐसे संदेश देके जाएं कि जो गलतियां हमने की हैं वह दोबारा वो ना करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद भाइयों, दोस्तों, मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर किसी को दिखाएं, बताएं और समझाएं।